ऑगर स्क्रू कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले, इसके बारे में बताने से पहले, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग पैकेजिंग मशीन्स के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आप एक बिज़नेस ओनर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सीख पाएंगे कि आपके बिज़नेस में आपके प्रॉफिट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं सिंपली रिपेयर फ्री मशीन्स में इन्वेस्ट करके। और अगर आप सीखने का टेंशन नहीं लेना चाहते तो हमारे टीम को कॉन्टैक्ट करो और हम आपको रिपेयर फ्री मशीन सप्लाई करेंगे। स्क्रू किस क्वालिटी की होनी चाहिए आप जब खरीद रहे हो, और वैसे मार्केट में कितने क्वालिटी के आती है, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्क्रू है, अलग अलग टाइप के स्क्रू है, दिखाना ज़रा आगे आके। तो यहाँ पर तीन टाइप के अलग अलग मेरे पास ऑगर स्क्रू है, तो इसको हम ऑगर स्क्रू बोलते हैं। ये इसमें लगता है पाउडर फिलिंग मशीन में, तो इसके मदद से ये सेंटर में लगता है और इसके मदद से जो है पाउडर फिल होता है। और एक फिल करके बताना, और एक, तो ये जो पाउडर मिर्ची का पाउडर अभी फिल हो रहा है, मसाला फिल हो रहा है इसके मदद से, स्क्रू के मदद से। अब ये जितनी बार भी फिलिंग होगा ये एक्यूरेटली इसका वेट आते रहेगा, वेट में 19-20 फ़र्क नहीं आएगा, एक्यूरेटली वेट आते रहेगा। तो ये वेट में एक्यूरेसी कब आता है, ठीक है। अभी ऑगर फिलर दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है वेइंग स्केल वाला, तो ये वेइंग स्केल वाला भी है। अगर आप वेइंग स्केल वाला ऑगर फिलर नहीं लेते हो, पाउडर फिलिंग मशीन अगर आपका वेइंग स्केल वाला नहीं है, तो दूसरा आता है टाइमर वाला। मतलब आप सपोज़ फॉर एग्जांपल 5 सेकंड्स के लिए टाइमर चला रहे हो, तो 5 सेकंड्स में फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स भर रहा है, तो अगली बार जब आप वापस बटन दबाओगे वापस 100 ग्राम बराबर गिरना चाहिए। तो ये सारा चीज़ डिपेंड होता है, एक्यूरेसी डिपेंड होता है स्क्रू के ऊपर, ठीक है। तो स्क्रू में के बारे में अभी हम लोग आज देखेंगे कि स्क्रू में कौन से क्वालिटीज़ आते हैं। सबसे पहला क्वालिटी है CNC पे बना हुआ ऑगर स्क्रू। तो इसके लिए क्या करना होता है, थोड़ा आगे आना। तो ये साइज़ का अगर आप हमको ये स्क्रू बनाना है, अभी ये है 200 ग्राम का स्क्रू, तो अगर ये स्क्रू बनाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसा फूड ग्रेड स्टील का पूरा रॉड लेना पड़ता है। तो पूरा रॉड लेने के बाद इसको क्या किया जाता है, ऐसे सीधा CNC मशीन में डाला जाता है, और CNC मशीन क्या करता है, ऑटोमेटिकली इस पूरे चीज़ को शेप देती है। ये जो भी, थोड़ा जूम करना, ये जो भी शेप्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये शेप्स पूरा CNC मशीन ऑटोमेटिकली इस रॉड को देगी। अब ये सबसे एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है, जब भी आप पाउडर फिलिंग मशीन खरीदते हो, ये चीज़ जो है, ये स्क्रू जो है मशीन का हार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी कितने टाइप के टेक्नोलॉजी है स्क्रू में, तो पहला तो जैसे मैंने बताया CNC पे शेप होता है, दूसरा है लेथ मशीन पे शेप होने वाला। लेथ मशीन का क्वालिटी देखो, ये जो भी लाइंस दिख रहे हैं आप गूगल कर सकते हो लेथ मशीन क्या होता है। लेथ मशीन पे इसको शेप किया जाता है, इसमें भी फिनिशिंग कम है देखो, ठीक है। और तीसरा वाला आता है फैब्रिकेशन, तो ये फैब्रिकेटेड स्क्रू ऐसा दिखता है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, जब भी आप मशीन खरीदने जाते हो तो कौन सा चूज़ करना है, तो यूजली एक कस्टमर्स को पता नहीं होता है, और मैन्युफैक्चरर्स इस बात का फ़ायदा उठाते रहते हैं, ठीक है, कि अगर कस्टमर को पता नहीं है कौन सा स्क्रू लेना है, तो वो लोग सबसे सस्ता वाला जो है फैब्रिकेटेड चीज़ कस्टमर को देते हैं। अभी फिलिंग जो है तीनों भी कर सकता है, फैब्रिकेटेड भी कर सकता है, CNC वाला भी कर सकता है, और लेथ पे बना हुआ भी कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये मशीन का हार्ट है, तो मशीन का हार्ट मतलब हम लोग पाउडर फिलिंग मशीन में इन्वेस्ट करते क्यों है, हम लोग हाथ से भी भर सकते हैं। एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, और प्रोडक्शन ज़्यादा करने के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए, तो एक्यूरेसी का पूरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्क्रू के हाथ में होता है, ठीक है। अगर इसमें प्रिसिशन नहीं रहा, तो अभी ये जितना भी फिलिंग हो रहा है, अभी दो फिलिंग करके दिखाना, तो पहले फिल में हम लोग अगर 50 ग्राम भर रहे हैं, 50 ग्राम मिर्ची का पाउडर, तो अगले फिलिंग में भी 50 ग्राम आना चाहिए। अभी ये दोनों जार जो भरा है 50-50 ग्राम, तो इसमें अगर आप दो बॉटल में अलग अलग अगर वेट आएगा, एक्यूरेसी आएगा, तो मतलब आपका लॉस भी हो सकता है, या तो आपके कस्टमर का लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज़ इसमें 50 ग्राम आपने भरा है, और ये दूसरा वाला जो भरा है इसमें 52 ग्राम्स गया है, तो आपका एक फिलिंग में 2 ग्राम का लॉस हो रहा है।
अगर कम गया है 48 ग्राम्स गया है तो एक फिलिंग में कस्टमर का जो आपका बायर है उसका 2 ग्राम का लॉस हो रहा है। तो ये सारा कुछ डिपेंड होता है इस स्क्रू पे। तो ये जो CNC पे बना हुआ जो स्क्रू है ये 100% एक्यूरेसी प्रिसीशन से भरता है। मतलब आपने पहला अगर 50 ग्राम भरा तो ये सेकेंड वाला भी 50 ग्राम ही भरेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। उसके बाद आता है लेथ पे बना हुआ। लेथ पे बना हुआ स्क्रू हमेशा समवेयर बिटवीन 92-95% एक्यूरेसी देता है, 100% तो नहीं देता है बिकॉज ये भी ह्यूमन मेड है। तो इंसान जब लेथ मशीन पे बनाता है तो एक्यूरेसी में 19-20 फ़र्क आता है, ठीक है। तो ये स्क्रू जो है लेथ मशीन पे बना है। अभी सबसे जो पुअर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो कस्टमर्स को पता नहीं, पाउडर फिलिंग मशीन लेते वक्त उनको पता नहीं है कि फैब्रिकेटेड जो है स्क्रू सबसे पुअर क्वालिटी होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए, मशीन का प्राइस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए आपको फैब्रिकेटेड स्क्रू देते हैं। और कस्टमर्स को लगता है, जो बायर है ऑगर फिलर जो परचेस कर रहा है उसको लगता है कि हाँ मुझे पाउडर फिलिंग मशीन मिला है और उसके साथ स्क्रू भी मिला है। तो स्क्रू मिलना ज़रूरी नहीं है, स्क्रू के साथ पाउडर फिलिंग मशीन के साथ कौन से क्वालिटी का स्क्रू मिला है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे कि ये फैब्रिकेटेड जो स्क्रू है बनता कैसे है, इसका एक छोटा सा प्रोसेस। जैसे हमारे फैब्रिकेटर है, सीनियर फैब्रिकेटर है अरविंद, थोड़ा यहाँ पर आके समझा दो कि ये स्क्रू बनता कैसे है। अगर आपको मैं बोलूँ कि ये ऐसा स्क्रू फैब्रिकेट करके दो मुझे, तो आपका प्रोसीजर क्या है इसका? सर्कल काटना पड़ेगा आपको, सर्कल काट के उसको काट के फिर वहाँ देखते हुए सर्कल काट के बाइंड करके वेल्डिंग होता है। इसके लिए ऐसा बनता है, फिर ग्राइंडिंग किया जाता है, ग्राइंडिंग करके बसिंग होता है, फिर फिनिशिंग होता है। बराबर है। तो अभी थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ अरविंद ने जो समझाया। ये जो दो सर्कल है इसको काटा जाता है, इसको सेंटर से काटा जाता है और इसको एक एक करके ऐसा वेल्डिंग कर करके थोड़ा आ गया ना, ये जो सर्कल कटा हुआ है इसको ऐसे बीच से काटेंगे। बीच से काटने के बाद ऐसा एक एक करके राउंड कर करके ऐसा टाका मारा जाता है, वेल्डिंग किया जाता है। वेल्डिंग करने के बाद एक बार जब ये पूरा शेप आ जाएगा उसके बाद फिर फाइनल वेल्डिंग किया जाता है। फाइनल वेल्डिंग करने के बाद फिर उसकी घसाई होती है। तो इतना सब प्रोसेस है उसका, लेकिन इसका मेकिंग कॉस्ट बहुत कम है क्योंकि ये हैंडमेड है। बट प्रॉब्लम ये है इसका प्रिसिशन नहीं आता, एक्यूरेसी नहीं आता फिलिंग के वक्त। जैसा कि ना अपना जो कस्टमर जिसका स्टार्टअप है उसके बजट में, अच्छा अभी उसको क्वालिटी वाला स्क्रू चाहिए जिसमें एक्यूरेसी दिया है, वो उनके बजट में आएगा जिनका स्टार्टअप है? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है कि क्वालिटी के बारे में इतना सब मैं वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन एक नया कंपनी जिसको फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं क्या ये क्वालिटी अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि मैंने जो भी बोला वो सुनने में अच्छा लगता है पर शायद कॉस्ट में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो ये कॉस्ट में इतना महंगा नहीं आता है। जैसे आपको जो मैन्युफैक्चरर पाउडर फिलिंग मशीन जब बेचता है तब टेक्निकली उसने आपको CNC पे बना हुआ स्क्रू ही देना चाहिए, ठीक है, और वो आपको चार्ज भी CNC का स्क्रू का करता है। तो जब मैन्युफैक्चरर गेज कर लेता है कि ये कस्टमर को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इसको सिर्फ अपने मसालों के बारे में नॉलेज है, पाउडर के बारे में नॉलेज है, इसको मशीन के बारे में नॉलेज नहीं है, जब उसको ये पता लग जाता है तब उसी वक्त वो डिसाइड करता है कि ठीक है मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इस चीज़ को बचा सकता हूँ, मैं ये CNC पे बना हुआ स्क्रू नहीं दूंगा क्योंकि इससे मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, उसके बजाय मैं फैब्रिकेटेड स्क्रू दूंगा जिसका मेरा मेकिंग चार्जेस बहुत ही कम है। तो अभी और एक सवाल है, पूछो। तो मेरा सवाल है ये CNC फैब्रिकेटेड और लेथ मशीन पे चलने वाले में से कौन सा, किसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है? CNC का कितना दिन चलेगा और ये लेथ मशीन वाला कितना दिन चलेगा? ओके, बहुत ही इसमें क्या क्या खराब होगा? तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि ये तीनों में से किसका लाइफ ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा फीलिंग बंद करना थोड़े टाइम के लिए। तो हम लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा, ऊपर आप देख सकते हो मोटर घूम रहा है कंटिन्यूसली, और वो क्यों घूम रहा है? ये स्क्रू को घुमा रहा है वो, ठीक है, स्क्रू सेंटर में लगा हुआ है और ये स्क्रू को कंटिन्यूसली घुमा रहा है और यहाँ पर नीचे पाउडर को फेंक रहा है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ओवर द पीरियड जब ये घूमते जाता है तो पूरे मेटल को लग लग के वो घसते जाता है, ठीक है। तो मेटल को घसने की वजह से अगर ये CNC पे बना हुआ नहीं है
सीएनसी में बना हुआ नहीं है तो ऐसा होगा, वो फैब्रिकेटेड होगा या तो लेथ वाला होगा। तो इसमें जो है इसका स्टर्डीनेस या इसका जो ताकत जो है कम हो जाता है, ठीक है, इसका ताकत स्क्रू का कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जितनी बार घसेगा उसका लाइफ कम होते जाएगा। और क्योंकि ये जो है सीएनसी में बना हुआ है, ये एक ही वन पीस में बना हुआ है, इसमें कुछ कटिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, इसीलिए इसमें ताकत बहुत रहेगा, रेजिडनेस की वजह से ये बहुत लंबा टाइम चलेगा। और दूसरा सवाल, रिपेयर कर सकते हैं अगर जरा स्क्रैचेस आए ऊपर नीचे तो? नहीं, ये नॉन रिपेयरेबल है, तो आपको स्क्रू रिप्लेस ही करना पड़ेगा अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो स्क्रू में, क्योंकि जैसे मैंने बोला पाउडर फिलिंग मशीन का जो हार्ट है वो स्क्रू है, और स्क्रू को अगर आप रिपेयर करने गए तो अपना सारा शेप जो है बिगाड़ देगा, और ये शेप जो है प्रिसिशन से डिज़ाइन किया जाता है। 304 का माल सबसे बेस्ट होता है कि 316 का सबसे बेस्ट माल होता है कि 202 का बेस्ट सबसे माल बेस्ट होता है? ये जो नंबर्स है 316, 304, 202, ये जो है SS स्टेनलेस स्टील के क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है। जो 202 क्वालिटी होता है, 202 स्टेनलेस स्टील 202, ये जो क्वालिटी होता है ये स्कैम होता है बेसिकली। तो अगर एक मैन्युफैक्चरर को दिखाना है कि मैंने स्टेनलेस स्टील लगाया है तो दिखने में वो सेम होगा दिखने के लिए, लेकिन उसमें निकल की मात्रा कम होगी, तो निकल की मात्रा कम होने की वजह से उसको 202 कहा जाता है, और ये जो है दिखने में स्टेनलेस स्टील जैसे दिखेगा। स्टेनलेस स्टील 202 का अपग्रेडेड वर्जन है स्टेनलेस स्टील 304, तो 304 मतलब फूड ग्रेड स्टील। तो जो भी आप रेस्टोरेंट्स में होटल्स में देखते हो जहाँ पर भी फूड कांटेक्ट में आता है स्टील से, तो उसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील 304। तो ये स्टेनलेस स्टील जो है फूड में यूज़ होता है। अब इसमें भी क्वालिटीज़ आते हैं, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। मटेरियल वो 304 का ही होगा, SS 304 फूड ग्रेड ही होगा, लेकिन उसमें भी निकल की मात्रा कम होती है। अगर आप फार्मास्यूटिकल बिजनेस या तो केमिकल बिजनेस में हो तब जाके आपको SS 316 यूज़ करना है, मैन्युफैक्चरर को बोलना है मुझे 316 का क्वालिटी दो। अब ये क्यों डालते हैं 316? मान लो कि आपका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के लिए आपने पाउडर फिलिंग मशीन लिया और आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि स्टेनलेस स्टील स्क्रू के कॉन्टैक्ट में आने के पर जंग लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ एसिड्स है, नमक की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से फूड ग्रेड स्टील भी जंग लग रहा है। तो ऐसे में हम लोग फार्मास्यूटिकल ग्रेड, केमिकल ग्रेड या तो लेबोरेटरी ग्रेड जिसको कहा जाता है, वो स्टेनलेस स्टील क्वालिटी को यूज़ करेंगे। और इसका क्या नाम है? स्टेनलेस स्टील 316, 316। ओके, तो ये जो भी पूरे वीडियो में मैंने जो भी स्क्रूज बताए सबका जो है अगर आप देखोगे साइज़ अलग अलग है, कोई पतला है, कोई मोटा है, ये सबसे बड़ा है और ये वाला जो है सबसे पतला है, ठीक है। अभी क्या होता है, जब भी एक मैन्युफैक्चरर मशीन डिज़ाइन करता है तो आपको आपका जो ग्राम्स है, फिलिंग रेंज है, वो बताना है। अभी यहाँ पर पतला स्क्रू यूज़ हो रहा है 50 ग्राम्स भरने के लिए, तो अगर आपको 50 ग्राम पाउडर अपने पैकेट्स में या तो कंटेनर में भरना है तो पतला स्क्रू, तो ये जो है 200 ग्राम का स्क्रू है, ये बड़ा वाला आप देखोगे 5 किलो का स्क्रू है, तो आप एक ही साथ 5 किलो, अभी ये जैसे 50 ग्राम भर रहा है, ये बड़ा वाला 5 किलो भरेगा एक ही साथ। तो ऐसा अलग अलग फिलिंग रेंज के लिए अलग अलग स्क्रू डिज़ाइन करने होते हैं। आपके लिए हमने कमेंट बॉक्स ओपन रखा है, आपको स्क्रू के बारे में, ऑगर स्क्रू के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज देना है तो आप डेफिनेटली वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आप कुछ पैकेजिंग रिलेटेड कोई भी नया कंटेंट अगर आप चाहते हो कि हम बनाएं, कोई भी सवाल आपके मन में है तो अपना सवाल जो है कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम लोग उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ऐसा कंटेंट हमारा जो है पसंद आ रहा है, जिससे आप सीख रहे हो, आपके बिजनेस में आप पैसे बचा सकते हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और कॉन्टेंट बनाने के लिए।